हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो हमारे सिक्स स्टैंडर्ड्स या फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे तक हमारे काम आते हैं। ये हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाते हैं, हमारे मतलब कैलकुलेटिव पार्ट्स में हमारा टाइम बचाते हैं, तो कॉम्पिटिशन में इनका अहम रोल रहता है। देखिए, जो डिविजिबिलिटी रूल है उनको ना हमने कैटेगरी में बांटा हुआ है। यहाँ क्या है कि जैसे ये 2, 4, 8, 16 और 5 और 10, अगर हम इनकी बात करें 2, 4, 8, 16, 5, 10 ऐसे इनकी बात करें तो ये सारे एक कैटेगरी के हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि इनको ना इनको चेक करने का एक ही है कि इनके लास्ट डिजिट को हम चेक करते हैं। आने समझ, लास्ट डिजिट कहें ठीक है, या फिर हम उसे यूनिट प्लेस कहें, उनको देखते हैं। यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट या लास्ट टू डिजिट, वहाँ से इनको चेक करते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई टू का रूल है, वो ये कह रहा है कि इफ़ द लास्ट डिजिट, इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को कहते हैं कि इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई टू। अगर कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे 6, 7, 9, वो लास्ट डिजिट को चेक करते हैं कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर, जो ये पूरा नंबर मैंने लिखा है, ये सारा का सारा क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा ये कहता है कि लास्ट डिजिट, या तो फिर लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। ये 0, 2, 4, 6, 8 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं और ये 2 से पूरी तरीका से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही जो डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, उसका जो रूल है वो ये कहता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। जो हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसमें ना लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर ये दो डिजिट हैं ये अगर हमारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 8 का भी ऐसा ही रूल है। 8 के में हम 2 की जगह 3 चेक करते हैं। आपके सामने अगर कोई ये नंबर हो ऐसे, ठीक है, तो हमें ना लास्ट के ये 3 डिजिट चेक करने होते हैं। लास्ट 3 डिजिट, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, अगर ये तीनों 8 से हो जाएंगे तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आए ना समझ। ऐसे ही 16 का है, 16 में लास्ट 4 डिजिट चेक करते हैं। जहां हम 3 करते हैं 16 में 3 की जगह 4 डिजिट है, अगर ये 4 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो आगे देखने की जरूरत नहीं, मतलब पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल क्या कहता है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, इसमें क्या है कोई भी नंबर हो उसमें लास्ट में या तो 0 हो या 5 होगा तो ही वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसा ही 10 का है। 10 में तो और भी ऐसा ना, वो कह रहा कि जो लास्ट डिजिट है ना वो केवल 0 होना चाहिए इसको कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं होगा। आए ना समझ। देखिए, इनकी भी एक कैटेगरी बनाई हुई है, मतलब 3 और 9, ये दोनों में सेम, लगभग सेम रूल है। और 6 और 12 का भी सेम ही है। 6, 12 के साथ जैसे 14, और अगर हम 15 की करें तो लगभग सेम ही रूल है, सिमिलर रूल है। क्या रूल है 3 का, ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, मतलब कोई हमने डिजिट लिया ठीक है, उसका ना हम सम करते हैं। जैसे मान लो हमने यही नंबर ले लिया, इनके नंबर के डिजिट हैं ये 7 + 4 + 3 + 9, 7, 4, 11, 3, 14, 14 और 9, 23 ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ 9 दिखा तो 3 से हो जाएगा, नहीं, इनके डिजिट का सम किया जो बैठता है 23। अगर 23 को डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर बचता है उसमें 3, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर उसका सम, जो टोटल सम है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। आए ना समझ। तो 9 का भी हमारा सेम ही रूल है, 9 का भी सेम ही रूल है। वो कह रहा है कि अगर जो नंबर है उनके डिजिट का सम है, जैसे मान लो यही नंबर है, इनके डिजिट का सम 23, अगर 23 हमारा 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ जो 6 का रूल क्या कहता है, जो 6 में और 12 में इनमें सेम रूल है, अगर इफ़ इट इज़ ए डिविजिबल बाई बोथ, कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर, उसमें ना 2 रूल लगेंगे, 2 का भी चेक करेंगे 3 का भी चेक करेंगे, तो वो नंबर दोनों से अगर हमारा डिवाइड होता है तो वो 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिया, ये नंबर लिया, अब इसमें ना 2 के लिए तो हमने लास्ट डिजिट देख लिया 8 है, हाँ ये 2 से हो रहा है,
फिर तीन का रूल भी लगाएंगे तो उनको इनके डिजिट का सम करेंगे, 4, 3, 7, 5, 12 और 20 तो नहीं हो रहा ना, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल 12 का है, 12 में हम ना 3 और 4 दोनों के रूल लगा कर देखेंगे। ऐसा नहीं है 3 से हो रहा है तो 4 से नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं होगा, दोनों से होगा तो ही हमारा 12 से होगा। सेम ऐसे ही अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 में हमें 2 और 7 के रूल चाहिएंगे, 2 और 7 का रूल लगाएंगे। तो अगर 15 की बात करते हैं तो 15 में हमारे 3 और 5 ये रूल चेक करते हैं, आए ना समझ। तो इस तरीका से आपके ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 का नहीं बताया, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16 का हो जाएगा। अब आपके रह जाते हैं दो अलग रूल हैं, वो 7, 11 और 13 के। देखिए इसमें जो 7 और 13 हैं इनका भी लगभग सिमिलर सा ही रूल है, इन दोनों का क्या सिमिलर सा ही रूल है। क्या रूल है 7 का, जो डिविजिबिलिटी वाइज 7 है उसमें कह रहा है कि अगर आप ना कोई नंबर ले लेते हैं ऐसे, तो उस नंबर को इस नंबर में जो लास्ट डिजिट होता है उसका हम डबल करते हैं। जैसे मान लो इसमें ये 4 है, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, 8 को हम बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से किया ये तो 13, ये 13 बन जाएगा, 13 में से 8 गई तो 5, यहाँ कितना रह जाएगा आपका 8, 8 और 7। तो फिर से वही जो लास्ट का है उसका डबल किएंगे, डबल किया तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किएंगे तो आपको मिलेगा ये 7, 7, 8। अब ये लास्ट वाला चेक करते हैं, इसका भी डबल करते हैं, 8 का डबल 16, ठीक है, तो 16 बचे हुए से घटा देंगे, अब ये कितना बन जाएगा ये यहाँ 61। अगर 61 आपका जो लास्ट में दो डिजिट है वो अगर 61 7 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीका से यहाँ ये 13 का रूल होता है। 13 में भी क्या होते हैं कि मान लो यही हम नंबर ले लेते हैं ऐसा ही, जो लास्ट डिजिट है यहाँ हम डबल करते हैं, यहाँ क्या करते हैं उसको ना 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 13 के रूल। अब 9, 4 = 36 तो बचे हुए को हम 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइड कर देंगे, ठीक है, 13 में से 6 गई 7, या 8 में से 3 गई 5, 8 और 7। अब बचा तुम्हारा लास्ट डिजिट कौन है 7, तो 7 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला 63, आए ना समझ। अब 63 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचा 2, 2 और 7, ये 2 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 18। अब 72 में से 18 गया तो आपका क्या बचा 54 हो जाएगा, और 54 हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है, आई ना समझ। अगर 54 13 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है पूरा नंबर ही। अब होता क्या है कि जब 13 और 7 का हम रूल बताते हैं तो ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं सर इससे अच्छा तो डिवाइड ही करके देख लें, क्योंकि थोड़ा सा है इतना टाइम लगाने से बच्चा अच्छी सी डिवाइड की अगर उसमें कमांड है तो डेफिनेटली वो सोल्व कर लेता है इसको अच्छे से, आए समझ। अब एक रह जाता है 11 का रूल। अब 11 के रूल को भी मैं इसी नंबर पे ही बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो 11 का रूल होता है वो क्या कहता है, आप ना इवन और ऑड देखते हैं या कह देते हैं कि एक नंबर को छोड़ करके एक को छोड़ करके, समझना, पहले तीसरे और पांचवें जो लिए हमने, जैसे 7 + 9 + 4, ये 9, 7, 16, 4, 20, आए ना समझ। अब जो बचे हुए उनके लेंगे 8 और 3 = 11, अब उनका डिफरेंस कितना है 9। अब होता क्या है कि उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए। 11 का डिविजिबल मतलब 11, 22, 33 उसकी जो टेबल है उसमें से ही कोई होना चाहिए, अदरवाइज या तो 0 या इसके अलावा कोई है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, आए ना समझ। तो इस तरीका से 7, 11 और 13 के भी आपके ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुए, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में ये भी एक रूल है और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इससे कि 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001, मतलब 1001, ये कह रहा है कि ऐसा नंबर जो इन सब से एक बार में डिवाइड हो जाए वो कौन सा होता है। कह रहा है कि एक नंबर जो 6 times रिपीट होकर के बनता है, मतलब अगर हम लिखते हैं 7, 7, 7, 7 और 7, तो ये जो 6 times रिपीट होने से, एक ही डिजिट 6 times रिपीट होने से इन सब से किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, आए ना समझ, इन सब से वो डिविजिबल है।
फिर बता रहा हूँ कि एक नंबर मतलब ये हो या कह दें आठ 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 सिक्स टाइम जो भी रिपीट होगा वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से किसी से भी हमारा क्या है डिविजिबल है। दूसरा रूल इसमें ये है कि अगर कोई नंबर जो सिक्स डिजिट का तो बन रहा है लेकिन उसमें ना एक पेयर रिपीट है 33 का ये कहते सॉरी हाँ जैसे 3, 7, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 4, 5, 6 कुछ भी कर दे तो ये नंबर भी हमारा सिक्स डिजिट का ये नंबर भी हमारा 3, 7, 11, 13 ये इन सबसे डिविजिबल है ठीक है। इन सबसे ये क्या भाग हो जाएगा पूरी तरीका से आए ना समझ। तो डिविजिबिलिटी रूल में आज इतना ही। आई होप कि सभी को ये समझ आई होगी और समझ आने के बाद तो अपना काम आपका जो बनता है उसे आप करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।